कैसे मेरे से स्कैम हो जाता है 10,000 रुपए का, वो भी डिस्कॉर्ड पर। तो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए, इसको पूरा ध्यान से वॉच करना। वो भी हाल ही में मेरे साथ बहुत तगड़ा स्कैम हो जाता है, वो भी 10,000 रुपए से भी ज्यादा का, वो भी डिस्कॉर्ड पर। और इस स्कैम में मैं अकेला नहीं फंसा हूँ, मेरे दोस्तों से लेकर बहुत सारे क्रिएटर है वो भी फंसे हुए हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूंगा, इस वीडियो को एंड तक वॉच करना ताकि आप इस स्कैम से बच सको। मैं लाइक करने के लिए नहीं बोला एंड सब्सक्राइब के लिए भी नहीं, बस मैं आप लोगों के अवेयरनेस के लिए बना रहा हूँ वीडियो। तो चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं, इस सब चीजें स्टार्ट हुई कहाँ से। तो डिस्कॉर्ड पर एक सर्वर है जहाँ पर काफी सारे चैनल वगैरह सेल एंड बाय किए जाते हैं, नोन एज बाय क्रिएटर मार्ट। एंड इस डिस्कॉर्ड सर्वर को रन एक फाइल एक्सप्लेज नाम का एक यूट्यूबर, वैसे तो एक डेडिकेटेड वीडियो इस पर ह्यूमन प्लेज ने बनाई है, लेकिन उसमें काफी सारी चीजें रह गई थी जो मेरे को ही बताना है। तो अब आगे क्या होता है चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आई थिंक आपने फाइल एक्सप्लेज का पहले भी कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, क्योंकि वो पहले रोजी सिम्पी में भी था। तो देखो जब रोजी सिम्पी वगैरह से निकल गया था, उसके बाद इसने एक नया सर्वर स्टार्ट किया था क्रिएटर मार्ट करके। इस बंदे ने स्टार्टिंग में सारे रोजी सिम्पी वाले क्रिएटर से अपने सर्वर का प्रमोशन कराया था, लाइक मेरे से भी कराया था एंड काफी अलग क्रिएटर से भी कराया था, जैसे एब्रिक्स हो गया, नोट हर्स हो गया, ब्लेज एमजी हो गया, सबसे ही कराया था। एंड ये लाइक हम लोगों को स्टार्टिंग में इंटरेस्ट लगता था, तो हम लोगों ने प्रमोशन कर दिया, हमको पता नहीं था ये बंदा कैसा है कैसा नहीं। एंड फिर इसका बिजनेस काफी ठीक ठाक चलने लगा था, लाइक बहुत सारे क्रिएटर्स आते थे एंड अपना चैनल सेल करते थे। एंड इसी के साथ नोट हर्सू ने अपना पुराना वाला चैनल भी इसको सेल कर दिया था, कुछ शिवम प्लेज नाम से उनका चैनल था पुराना वाला। एंड उनके चैनल पर 15,000 सब्सक्राइबर थे एंड जब उन्होंने वो चैनल सेल किया तो उनको काफी अच्छे पैसे मिल गए थे उस चैनल के, और उसी के साथ उनको उनके पूरे चैनल की पेमेंट भी मिल चुकी थी बहुत जल्दी, लाइक कोई भी स्कैम वगैरह नहीं हुआ था। एंड फिर गए सेम सुबू प्लेज ने, आप लोग सुबू प्लेज को जानते हो, लाइक वो एक्सपोज वगैरह बनाता था एंड मेरा दोस्त भी था, उसने भी अपना चैनल सेल किया था इन्हीं लोगों को भी 12,000 रुपए समथिंग में। एंड हमारी एब्रिक सुबह ने पुराना चैनल सेल कर दिया था एंड उनको भी काफी अच्छे पैसे मिल गए थे उसके। बट नाउ द क्वेश्चन इज स्कैम कहां हुआ भाई, आप लोगों को आपके पूरे पैसे मिल गए तो आपका स्कैम नहीं कटा है, हमारा कटा है स्कैम जिनको पैसे नहीं मिले। बट नहीं भाई, अभी कहानी में बहुत ट्विस्ट है, इसलिए पूरा देखो। एंड नाउ मेरे को, हर्षु भाई को, सुबू प्लेज एंड एप्रिक सुबह को, सभी लोगों को काफी ज्यादा ट्रस्ट हो चुका उस बंदे के ऊपर, क्योंकि उसने हमारी पूरी पेमेंट कर दी थी। एंड नाउ अभी आप लोग बोलोगे बीट भाई आपने क्या सेल किया, तो मेरा एक दोस्त था स्मॉल सू गेमिंग करके, मैंने उनका चैनल सेल करवाया था लगभग 7,000 रुपए में एंड उन्होंने लाइक बाय भी किया था, उनके पैसे भी मिल गए थे हमको। बट नाउ अभी क्रिएटर मार्ट वाले ने अपना असली दिमाग लगाना स्टार्ट किया, लाइक हमको सबको ट्रस्ट हो गया था उसके ऊपर। तो उसके बाद में क्या हुआ, सबसे पहले गाइस मेरा एक दूसरा दोस्त था अकेला प्लेज नाम का, उसका चैनल काफी ग्रोथ है एंड उसने भाई यूट्यूब वगैरह छोड़ दिया था पढ़ाई के चक्कर में, तो मैंने उसका चैनल सेल कराया। उसके चैनल पर 20,000 सब्सक्राइबर थे एंड उसने बोला मैं आपको 12,000 रुपए तक दे दूंगा इस चैनल के। मैंने बोला ठीक है भाई, इतना पेमेंट काफी है एंड मेरे को ट्रस्ट था इसके ऊपर, लाइक मेरा दोस्त बोला था आपको ट्रस्ट है या नहीं, बट मैंने बोला मेरे को ट्रस्ट है भाई, बिकॉज लाइक मैंने पास्ट में भी चैनल सेल करा रखा है। एंड नाउ गाइस फिर का वो ये प्रिक्सु भाई ने भी अपना मेन चैनल सेल कर दिया जिनसे वो ग्रो हुए थे, जिनसे आप लोग उनको जानते हो, ये प्रिक्सु भाई का चैनल था 16,000 सब्सक्राइबर वाला। एंड आप लोग रेकरिक को भी जानते हो जो रोस्ट वगैरह बनाता है, लाइक आई नो उन्होंने पास में मेरे ऊपर भी काफी सारे रोस्ट बना रखे हैं, उन्होंने भी गाइस अपना मेन चैनल उसी बंदे को सेल किया था, लाइक हम तीनों ने सेम टाइम पे सेल किया, लाइक मेरे को 16 तारीख को किया था एंड लाइक एप्रिक्सु ने एक दो दिन पहले ही किया था, ऐसा सीन था हमारा, सब आगे पीछे सेल किया था लाइक एक दो दिन के बीच में ही। गाइस यहां पर जो 16 तारीख की बात हो रही है, इस महीने की 16 तारीख की बात नहीं हो रही, पिछले महीने की 16 तारीख को सेल किया था। एंड नाउ गाइस अभी हमने तीनों बंदों ने चैनल सेल कर दिया था एंड पूरा चैनल का एक्सेस उसके पास जा चुका था। एंड अभी बात आती है पेमेंट की, लाइक हमारा ऐसा सीन हो गया था, हमको उस पर अंदर ट्रस्ट हो गया, लाइक हमको पता था पेमेंट दे देगा बिकॉज पास्ट में उसने हमारी पूरी पेमेंट कर रखी है। नाउ गाइस वही बात आती है, किसी पर अंदर ट्रस्ट करना बिल्कुल सही बात नहीं है, लाइक या ट्रस्ट का जमाना नहीं है भाई। तो अब मैंने 16 तारीख को अपना चैनल सेल कर दिया था लाइक अपने दोस्त का, एंड अभी जो मेरे को पेमेंट मिलनी थी वो मेरे को 22 तारीख को मिलनी थी, क्योंकि वो 7 दिन का टाइमर होता है, लाइक 7 दिन बाद हम ओनरशिप ट्रांसफर कर सकते हैं दूसरे अकाउंट में। मैंने बोला ठीक है भाई कर देना 7 दिन बाद, कोई दिक्कत नहीं है। एंड सैमसंग नेकरिक भाई से भी बोला था एंड उसका एपिक्स भाई से भी उसने सेम ही बोला था कि 7 दिन बाद आपको पेमेंट मिल जाएगी। तो अब 7 दिन बीत जाते हैं एंड हमारा पेमेंट लेने का डे आता है, तो हम पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो बंदा सामने से बोलता है कि मेरा बहुत तगड़ा लॉस हो चुका है, लाइक कुछ वो खेल रहा था, लाइक जैसे होते ना बहुत ज्यादा ट्रेडिंग गेम, उसमें वो तगड़ा लाइक 1.5 लाख रुपए का लॉस हो गया था, उसने ऐसा बोला था। एंड लाइक हम लोगों ने बोला ठीक है भाई कोई ना, हमने सोचा कि अब तक हो गया हो, तो हमने बोले ठीक है भाई हम 2-3 दिन और रुक जाते हैं, 3-4 दिन का टाइम बोला था, हम रुक गए थे। और फिर 3-4 दिन भी बीत जाते हैं एंड लाइक कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था उसका, एंड हम पिंग करते थे बहुत बहुत टाइम बाद हमको रिप्लाई देता था, एंड सेम ही चीज बोल रहा था कि मेरी पेमेंट अभी तक नहीं आई है, मेरी पेमेंट आएगी तो मैं आपको कर दूंगा, बला बला बहुत सारी चीजें। एंड फिर 3-4 दिन और बीत जाते हैं एंड हम फिर दोबारा पेमेंट के लिए बोलते हैं, तो हमको रिप्लाई नहीं कर रहा था बंदा। तो फिर मैंने क्या किया, उसका डिस्कॉर्ड सर्वर जो क्रिएटर मार्ट करेंगे वहां पर गए, वहां पर हमने सिंपली उसको पिंग किया एंड बोला भाई हमारा पेमेंट कर दो, ब्ला 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 एंड बहुत सारी चीजें बोलेंगे, डीएम आ जाओ, बट नहीं आ रहा था वो बंदा। सिंपली यहाँ पर हमने एक वर्ड का यूज कर लिया कि भाई स्कैमर हो गया भाई, स्कैम करके बैठे वाले पैसे कब तक दोगे, उसकी इतनी सनक गई कि उसने हमको डिस्कॉर्ड से बैन कर दिया मेरे को एप्रिक्सु भाई को, और उसी के साथ उसने मेरे को ब्लॉक भी कर दिया था डिस्कॉर्ड से, अनफ्रेंड मार दिया, लाइक सब कुछ हटा दिया था मेरा वहां से पूरा सिस्टम, लाइक मेरा बात ही नहीं कर सकता था मैं उससे अब। तो फिर एप्रिक्सु भाई ने मेरे साथ उसका ग्रुप बनाया एंड फिर हमने बात की एंड उसने कहा कि चलो ठीक है मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, एंड उसने फिर हमको टाइम दिया 8 अगस्त तक, लाइक मैं आपको 8 अगस्त तक पक्का पेमेंट कर
दूंगा। एंड फिर ना हमने बोला कि हमको डिस्कॉर्ड से आप अपने अनबैन कर दो जब तक पेमेंट नहीं दे रहे, बट बंदा बोल रहा है आपने हमारा मेरा गलत वर्ड का यूज़ किया, मेरा नाम खराब हो रहा है, मैं आपको अनबैन नहीं करूंगा। तो हमने ठीक है भाई, लाइक हमने उस बात को ही मान लिया कि मत कर अनबैन भाई तू। एंड नाउ द डे इज 8 अगस्त, एंड 8 अगस्त वाले दिन हम लोग सब साथ में बैठे थे, मैं अपेक्स एंड डेक्रिक भाई, हम सब वेट कर रहे थे कब ये पेमेंट करेगा हमारी। उसने हमको टाइम दिया था कि हम आपकी 12 बजे तक, लाइक दिन के 12 बजे में आऊंगा एंड सबकी पेमेंट कर दूंगा। एंड नाउ गेस व्हाट क्या हुआ होगा भाई, उसने उस ग्रुप को लीव कर दिया जिसमें हम थे, सबको ब्लॉक मार दिया, लाइक जितने भी फ्रेंड थे सबको ब्लॉक मार दिया। एंड जो उसका खुद का डिस्कॉर्ड सर्वर है वहां से उसने चैट वाला ऑप्शन ही गायब कर दिया, लाइक वहां पर जाओगे वहां पर आपको चैट का ऑप्शन नहीं दिखेगा ही नहीं, बिकॉज भाई बंदा स्कैमर है, बंदा सब लोग देख लेंगे स्कैम कर रहा है। एंड नाउ यहां तक हमको सबको पता चल चुका था कि हमारे पैसे डूब चुके हैं भाई, कब कैसे किसी के नहीं मिलने वाले, ना एपिक्स के, ना रेक्रिक के, ना मेरे, ना ह्यूमन प्लेज के, लाइक ह्यूमन प्लेज ने अपना चैनल सेल कर दिया था उसकी। तो भाई मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसे किसी पर अंधाधुंध ट्रस्ट मत किया करो, लाइक हमने किया हमारी गलती थी, लेकिन भाई हम क्या ही कर सकते हैं। एंड गाइस वीडियो आपको अवेयरनेस के लिए, आप अगर अपना चैनल किसी को सेल करते हो बाय करते हो तो पहले उससे हाफ पेमेंट लो, लाइक अगर आप जब तक आप उससे हाफ पेमेंट ना लो तब तक उससे चैनल लो ही मत या दो ही मत, बिल्कुल कुछ मत करो। एंड भाई एक चीज तो बताना भूल ही गया, हमारे पायलट भैया पाकिस्तान से है भाई, मतलब समझ रहे हो ना, आटे की कमी हो गई है भाई, मैं क्या कर सकता हूँ भाई। लॉर्ड भाई मेरे पाकिस्तान वालों से कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, मेरे पाकिस्तान से काफी सारे फ्रेंड है, बट भाई उस बंदे को आटे की कमी हो रही थी लगता है मेरे को। एलेक्स भाई वीडियो देख रहे थे मेरे को बता देते यार, मैं थोड़े पैसे भेज देता, वैसे भी आके 100-200 आगे 2000 रुपए बनी जाते जाके। आई एम सॉरी, लाइक जो मेरे को पाकिस्तान से सकता है, मैंने किसी को हेट देने के लिए नहीं बोला, लाइक ओनली उस बंदी के लिए था जो भी मैंने यहाँ पर बोला है। एंड मेरे पाकिस्तान सब्सक्राइबर्स भी है, फ्रेंड्स भी है, तो मैं उसको फुल रिस्पेक्ट भाई यार। तो बस मैं एक वीडियो अवेयरनेस के लिए बनाई है, आप लोग अवेयर रहा करो ऐसे स्कैम से भाई, मेरे साथ हुआ है, कल आपके साथ भी हो सकता है, तो उससे बहुत ज्यादा ध्यान रखा करो ऐसी चीजों का आप लोग। मैं तो स्कैम करके पैसे खा लेगा, कितने दिन खा लेगा, 1 दिन खा लेगा, 2 दिन खा लेगा, 10 दिन खा लेगा, लेकिन भाई उसके बाद में तेरे को खुद ही कुछ करना होगा। एंड तू हराम के पैसे खाएगी दूर नहीं चला जाएगा, तेरे को ऊपर ही जाना है भाई। छोड़ो गाइस, इनका तो चलता ही रहेगा भाई, क्या ही कर सकते हैं, ऐसे लोगों का जिनकी नीयत खराब हो भाई उनकी नीयत ठीक तो नहीं कर सकते हम। तो तुम्हारा भाई मिलेगा आपको अगली किसी मजेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय एंड पीस आउट।